बाद अब मैं निवेदन करूंगा भाई जेपी दलाल जी आप लोगों को संबोधित करें और वोट की अपील करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। भाइयों को, कलाकारों को राम राम। मुझे तो चाय पे बुलाया था, जलसा कर दिया तुमने। मैं आज इस कार्यक्रम में आया था कि मैं चाय पानी करनी है। यहाँ जहाँ भी जाता हूँ चाय पानी की बजाय जलसा हो जाता है। देखो भाई, चुनाव का टाइम है। मैं कैंडिडेट आपका देखा बढ़ा हूँ, 15 साल से आपके बीच में हूँ। थोड़ा करे घड़ा करे जो भी है वो आप फैसला करोगे, लेकिन मैंने कोशिश की है। एक नया कैंडिडेट आया भाई, वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लफाजी कर रहा है, गुमराह कर रहा है। आदमी वो भी 200-400 कर लेता होगा, लेकिन तुमने एक चीज देखना, अपने यहां सारे आदमी अपने मोहल्ले के हैं, अपने यहाँ सारे आदमी मोहल्ले के हैं, गाने वाले भी मोहल्ले के हैं, बहने भी मोहल्ले के हैं, पखड़े मोहल्ले के। भारत में एक गड्डी में आया, वो ले आवे है कड़ते हैं, अपने मोहल्ले का कोई आदमी आवे है भाई। आप लोगों ने देखा होगा इतना फर्क है भाई। वोट तो तब गेलोगे तो ये बाहर घूमने वाले हैं, ये थोड़े गेलेंगे, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुकाबला है। कोई मुकाबला को नहीं। आप जो देखो ये मोहल्ले के आदमी खड़े, आपको पता है विरोध में कोर्ट कौन सा जाएगा, थोड़े बहुत गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भी बना लेंगे। यहाँ पर जो है मेरी राजनीति गरीब के लिए है। मोटी मोटी बात तो भाई तुमने पता है, सड़क दी, बिजली दी, शिक्षा की व्यवस्था करी, लेबर की कॉपी बनाई, पानी दिया, बीमा दिया, मुआवजा दिया, सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई, ये चीज तो है। ये मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। शिवानी में एक तो समस्या ये है कि बहुत सारे मकान उन पर मलिकियत का हक नहीं है। आती शिवानी वो बस रही है भाई, सारे जो बस रहे हैं सब नए सर्कल रेट पर रजिस्ट्री करा के मलकित का। ये फैसला मैं कैबिनेट में जेपी दलाल कभी घोषणा नहीं करता, काम करता है फिर बताता है। हमने कैबिनेट से ये फैसला कर दिया कि जो 20 साल से बचा हुआ है 500 गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर्कल रेट पे जो डीसी का रेट होता है, जैसे किले का रेट 10 लाख से रजिस्ट्री हुआ है 50,000 में 60,000 में, तो गजा में करोगे तो थोड़े बहुत रुपए कैसे पड़ेगी। वो फैसला हम कर चुके हैं, सब की रजिस्ट्री उसकी हो जाए। दूसरा, ये बहन बैठी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, फार्म भेजूंगा भर्तियों 2100 रुपए महीने के, बहना खाता में डाल दूंगा अपने बड़े पटा। बाकी काम तो मैं कर ही रहा हूं, नहर का, बिजली का, किसान का, रोजगार का। खास करके शिवानी के खातर मैंने 2 काम के उठे हैं, इसकी जिम्मेवारी भाई मेरी है, मेरा भरोसा रखो। बहनों को 2100 रुपए महीना देना और भाई सारा के मालिक बनना, नौकरी गरीब ने पहला ही मेहनत लग रही है। आप एक चीज देखो, ये रोड़ा के है, ये रोहतक वाले भाई ठाए हंड रहे हैं, 10-5 हजार आदमी भूखे बेड़िए की तरह हंड रहे हैं। 10 साल हो गए इनके बांटे को नहीं आया सौदा, हमारे गरीब आगे बड़क लगे हैं। ये नौके हैं कि एक बार राजसूत बैठ जाने तो अपनी बोझ काट जा भाई, काटन कौन जा, उनने गरीबा की नौकरी गरीबा ने मिलेगी। इनको अपने इलाके से कोई प्यार नहीं है। अगर अपने इलाके से हुड्डा साहब को प्यार होता 10 साल में एक बार तो आता। बहनों कभी देखा है भूपेंद्र हुड्डा को? आपने देखा है भूपेंद्र हुड्डा को भाई कभी किसी भाई ने देखा है आसमानी में? भाई वो इसलिए कि एक ठेकेदार छोड़ दिया, लोगों से वोट खरीद लिया मैं,
भाई कितना बड़ा ठेकेदार है, अनपढ़ आदमी, संस्कार उसके नहीं, उल्टे काम करा है, गुंडागर्दी घुमा है। मैं तो एक चीज कहता हूं, शहर में गुंडे नहीं पड़ने दिए भवने, शहर के अंदर गुंडे भाषे भगा के बाहर भेज दिए, और ये गुंडे ने इलाका दिखावा है। इस तरह आदमी बन जाने खुदा ने खास्ता, पुलिस गुंडा के साथ हो जाए तो गरीब का के चिन्ह रह जाएगा भाई। मैं कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपने माताओं के लिए, भाइयों के लिए, इनकी अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं। जेपी दलाल के कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो 70 साल का हो गया, 70 साल का हो जाऊंगा अगले साल। भगवान ने दाल रोटी खूब दे रखी है, मेरे बालक कमावे हैं। मैं यहाँ पर घूमता हूँ गर्मी में, इसलिए घूमता हूँ कि मुझे यहाँ अगली पीढ़ी का भविष्य बनाना है। इन बच्चों को भी जो सपने देखते हैं कि ये समृद्ध राष्ट्रों की तरह तरक्की कर सके, रोजगार पा सके, अपने घर को आगे बढ़ा सके, वो सपने पूरे करूंगा भाई। और कितना ही मुश्किल काम हो उससे मैं पीछे नहीं हटता। सबसे मुश्किल काम यहाँ पानी लेना था, पीने का पानी मीठा शिवानी में, सीवर नहीं था, बिजली 2-2 घंटे आया करती। ये सारी चीजें धीरे 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 ठीक करती है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूँ, कोई जलसा का प्रोग्राम मैंने नहीं भेजा था, तो मैंने कर रखा है इकट्ठा। अरे मेरे भाई हैं, बहने हैं, के जलसा है रोज बिना। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि गुमराह जो कोई एकाध भाई हो रहा है उसे समझाओ कि भाई अपने घर की कलम है, इसने किसी तरह बरत लियो, रो तगड़े ना दो, रो तगड़े अपने लूट लेंगे। ना पहले कभी दिया, ना हमारा आए, ना हमने पढ़ दे। तो इसलिए इस कलम ने मजबूत करो, या कलम तारा काम आओगी। और भाई एक बताओ, इन रोज तगड़िया का चंडीगढ़ में कब्जा करने जिक रहे हैं, शिवानियाड़ा का कौन करेंगे? ये भारत डटे है के एक झोटा मार दो, तारे रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ ध्यान डाक रहे, जो मंत्री जी सी पावर तो तारी हो जाएगी, ढूंढ आग रहेंगे शिवानी का कोई रिश्तेदार हो तो वो काम चंडीगढ़ में, काम चंडीगढ़ में काम कराना है तो शिवानी वाले को ढूंढ आग रहेंगे। लंबी चौड़ी बात थी, सारी बोध काट दूंगा, खूब काम करूंगा, नरमी से चलता हूँ, सेवा करता हूँ। और मैं तो एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको बताया जहां जाता हूं, मैं एक चीज कहता हूं कि मैं 15 साल से किसी को सजा नहीं, कोई मुकदमा नहीं बनाया, किसी को धमकाया नहीं। मैं तो एक इसी शुद्धि का हूं जो चरके तो हूं कि चंडीगढ़ का द्वार दो हो तुमने, और ये भाई मारने झोटे हैं, ये तमने तारीख फसल चरेंगे, तमने ठोके ठाके ठोके ठक ठाके ठोकेंगे, इनसे बचाओ भाई। ये सारा मेरा समझ के धन्यवाद जय। हाँ भाई।